तुझ पे नाज़ा है चमन। पाकिस्तानी गुलकार व अदाकार फ़ख्र आलम ने अपना ख्वाब मिशन परवाज मुकम्मल कर लिया है, जिसके बाद वो दुनिया का चक्कर लगाने वाले पहले पाकिस्तानी बन गए हैं। उन्होंने मिशन मुकम्मल करने की खुशखबरी सबको ट्विटर पर वीडियो पैगाम के ज़रिए भेजी। फ़ख्र आलम का कहना था कि उन्होंने अपने मिशन का आगाज़ 10 अक्टूबर को फ्लोरिडा से किया था, जिसमें उन्होंने 24 दिन में 22 ममालिक का सफ़र किया है, और अब वो वापस फ्लोरिडा पहुंच गए हैं, जहां उन्होंने ऑफिशियली तौर पर कामयाबी से मिशन प्रवास मुकम्मल कर लिया है। फ़ख्र आलम ने पूरे पाकिस्तान को मुबारकबाद देते हुए कहा कि अब हमारा नाम हवाबाजी की तारीख में लिखा जाएगा। फ़ख्र आलम को फ्लोरिडा में इनके करीबी दोस्त और एविएशन के लोगों ने मुबारकबाद पेश की और इनके हौसले और अज़म को सराहते हुए पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे भी बुलंद किए। इस मिशन के तहत वो दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक के 22 स्टॉप्स पर गए, जिनमें कैनेडा, ग्रीनलैंड, आइसलैंड, बरतानिया, मिस्र, बहरीन, ढाका, बैंकॉक, जकार्ता, सिंगापुर, ऑस्ट्रेलिया, फिलिपाइन, जापान, रूस, अलास्का, दुबई और फ्लोरिडा शामिल हैं। इस मिशन के तहत फ़ख्र आलम को रूस के एयरपोर्ट पर वीज़ा एक्सपायर होने के बिना पर हिरासत में भी ले लिया गया था, जिसके बाद उन्होंने हुकूमत पाकिस्तान से मदद की अपील की थी। बाद अज़ां दफ्तर खारजा ने नोटिस लेकर पाकिस्तानी सफारत खाने को गुलकार की मदद की हदायत की थी और उन्हें वीज़ा फराम कर दिया गया था। फ़ख्र आलम का कल फ्लोरिडा से मिशन प्रवास मुकम्मल करके पाकिस्तान पहुँच जाएंगे। अपने ट्विटर पैगाम में इनका कहना था कि मिशन परवास का ख्वाब भले इनका है, लेकिन ये वतन अजीज से मुंसलिक है। इसके तहत दुनिया भर में पाकिस्तान का मस्बत अक्स पेश होगा और दुनिया को पता चलेगा कि हमारे पास डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, गुलकार, साइंसदान और हवाबाज सब मौजूद हैं। फ़ख्र आलम का मजीद कहना था कि वह मिशन परवास के ज़रिए दुनिया शौदा को खराज तहसिन पेश फ़ख्र आलम का मजीद कहना था कि वो मिशन परवास के ज़रिए तमाम शौदा को खराज अकीदत पेश करते हैं।